लेक्चर में हम पढ़ रहे थे प्रोडक्टिविटी के बारे में, और अपन ने पढ़ा था कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कि कैसे आप इससे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर अपने को जरूरी है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी की क्या इंपोर्टेंस है, इससे आप क्या निकाल सकते हैं। अब देखो प्रोडक्टिविटी जरूरी है क्योंकि इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड, तो सिंपल एक ही पॉइंट है, आप इसको पॉइंट बना के भी लिख सकते हो आप, ठीक है। वो तो जैसे कि आप सबसे पहला टू इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी टू इंक्रीज प्रोडक्शन विद टू इंक्रीज। अब ये सारा मेन पॉइंट इसका एफिशिएंसी के ऊपर ही है, आपने कितना आउटपुट लिया और कितना उसको इनपुट दिया, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री ऐसे लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, टू जो है उसको वर्कर्स को आपका क्या करना है, स्किल के हिसाब से उनको रैंक देना है, ठीक है। रैंक उनको रैंक टू रैंक द वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, स्किल्स के हिसाब से रैंक करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। ये भी इसकी इंपोर्टेंस है, ठीक है। एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकता है, रैंक दे सकता है वर्कर्स को, जिसके हिसाब से आपने उसको क्या करना है, रैंक करना हो वर्कर्स को कि कौन वर्कर अच्छा काम कर रहा है, कौन वर्कर अच्छा नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, इसकी इंपोर्टेंस है, ठीक है। तो अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम सेट करने के लिए प्रोडक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्टिविटी चेक करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिनके अंदर अपने को प्रोडक्टिविटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब कि प्रोडक्टिविटी अच्छी है या नहीं है ये चीज अपने को देखनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे अपने जो है बेसिस फिक्स करने के लिए, ठीक है, टू सेट डिफरेंट डिफरेंट वेजेस सिस्टम, ठीक है। अब वेजेस क्या होती हैं, तनख्वाह, ठीक है। तो वेजेस जो होती है ये बेस्ड ऑन स्किल्स के हिसाब से आप उसको फिक्स कर सकते हैं कि कितनी वेजेस किसको देनी है, ठीक है। जैसे कि कोई वर्कर अच्छा काम कर रहा है तो उसको अच्छी स्किल्स हैं उसकी, उसको आप अच्छा वेजेस देनी चाहिए, उसको अच्छी तनख्वाह देनी चाहिए। और अगर कोई वर्कर जिसकी स्किल अभी तक इतनी इंप्रूव नहीं है तो उसको आप कम लेबर भी देंगे, कम वेजेस भी देंगे तो भी वो वर्क करेगा, ठीक है। तो ये सारी इसकी इंपोर्टेंस है, वेजेस फिक्स करने के लिए, इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी इसकी क्या है, इंपोर्टेंस है प्रोडक्टिविटी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मेजर कैसे कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर किया जा सकता है, कैसे माप सकते हैं आप, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी को मापने के लिए सबसे पहले आप कर सकते हैं फिजिकल आउटपुट, फिजिकल आउटपुट पर मैन आवर, पर मैन आवर, ऐसे आप माप सकते हैं कि एक आदमी के एक घंटे के अंदर, जैसे एक आदमी ने 1 आवर वर्क किया तो उसके अंदर इतनी आउटपुट हुई, 2 पीसेस बने, ठीक है, 2 पीसेस एक घंटे के अंदर बने तो 2 घंटे के अंदर 4 पीसेस, ठीक है। ऐसे सबका कैलकुलेट करेंगे तो सबके अलग अलग प्रोडक्शन रेट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू मैन पावर। दूसरा क्या है, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, फिजिकल आउटपुट, फिजिकल आउटपुट पर यूनिट, पर टन ऑफ रॉ मटेरियल, टन एक यूनिट है, टन ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल
क्या हो सकता है टू रिड्यूस वेस्टेज या टू एनालाइज वेस्टेज को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, कि कितनी वेस्टेज हो रही है, ठीक है, टू रिबिल वेस्ट, वेस्ट कितना हो रहा है, ठीक है, वेस्ट कितना जा रहा है उसके अंदर, उसको रिबिल करने के लिए, ठीक है। आप ये चेक करेंगे कि फिजिकल आउटपुट पर टन कितनी आ रही है, एक टन मटेरियल से इतनी आउटपुट आ रही है, आनी इतनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। अगर आप ज्यादा इनपुट दे रहे हैं और कम आउटपुट आ रही है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फिजिकल आउटपुट परसेंटेज ऑफ रेटेड कैपेसिटी, फिजिकल, सॉरी यहां पे फिजिकल, फिजिकल आउटपुट पर जो है, उसके बाद आपने क्या किया, एक रेटेड कैपेसिटी दे दी उसको एज परसेंटेज ऑफ रेटेड कैपेसिटी। ऐसे भी मापा जा सकता है कि मैंने क्या किया, इसको रेट कर दिया कि ये 70 पीसेस बनाएगा पर आवर, एक घंटे के अंदर 70 पीसेस बनाएगा, तो 70 इसकी रेटिंग आ गई। अब इसने क्या किया, 50 ही बनाए इस बार, ठीक है। तो ये इसका कितना परसेंट है, जब अपन मान लो कि 100 बनाता था, इस बार 50 बनाए तो 50% प्रोडक्टिविटी रह गई, ठीक है। तो ऐसे भी आप प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, फिजिकल आउटपुट एज परसेंटेज ऑफ रेटेड कैपेसिटी, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना लास्ट इसको फोर्थ पॉइंट ये है कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी आउटपुट हुई, ठीक है, उसका फिजिकल आउटपुट, फिजिकल आउटपुट पर रुपीज ऑफ कैपिटल, रुपी ऑफ कैपिटल, कैपिटल के एक रुपए के ऊपर कितनी प्रोडक्टिविटी हुई, कितनी आउटपुट आई, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारे क्या है, मेजरमेंट है, कैसे आएगा मेजरमेंट, कैसे करें फिजिकल उसकी प्रोडक्टिविटी की। तो सबसे पहले मेजरमेंट का क्या ऑप्शन है, सबसे पहले आप फिजिकल आउटपुट पर मैन आवर निकाल सकते हो, एक मैन जो है वो एक घंटा काम करता है, उसने इतनी प्रोडक्टिविटी की, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो तो ऐसे निकल सकता है। दूसरा कैसे कर सकते हो प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट, फिजिकल आउटपुट पर टन ऑफ रॉ मटेरियल, एक टन रॉ मटेरियल के ऊपर इतनी आउटपुट आई, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फिजिकल आउटपुट एज परसेंटेज ऑफ रेटेड कैपेसिटी, ठीक है, उसकी कितनी परसेंट वर्क चल रहा है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिजिकल आउटपुट पर रुपी ऑफ कैपिटल, कैपिटल के एक रुपए के ऊपर कितनी कमाई हो रही है, ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है कि अब आपको पता चला है कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है और कैसे इसको मेजर किया जा सकता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी, कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हो चुका है, प्रोडक्टिविटी कम हो चुकी है, आउटपुट जो थी वो कम आ रही है, इनपुट आउटपुट के बराबर चली गई है, ठीक है, मतलब कि आउटपुट सेम है, इनपुट बढ़ रही है, उसके क्या रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है आपका, कि जो मशीन ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंट मशीन ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब कि मशीन क्या होगी, वो रुक रही है बार बार, ब्रेक डाउन आ रहे हैं उसके अंदर, कोई ना कोई मशीन के अंदर खराबी आ रही है कंटिन्यू, ठीक है, जिसके कारण क्या हो सकता है, ये दिक्कत आ सकती है कि मशीन बार बार रुक रही है, इनपुट सेम लग रही है, मशीन रुकी हुई है। आप देखो आपके पास लेबर है, उसको आप पर डे सैलरी दे रहे हो, कहीं पे कोई मशीन खराब होगी जिसको ठीक करने में एक दिन लग गया, उस मशीन को ठीक करने में जो एक दिन लगा वो अलग मैटर है, लेकिन जो प्रोडक्शन एक दिन के लिए रुक गई वो उससे जितना आपका नुकसान हुआ, जितनी आपकी लेबर गई, जितना आपका वर्क रुका, वो सारा क्या है उसके अंदर कैलकुलेट होता है। इसीलिए जो ज्यादातर प्रोडक्शन मशीनें होती हैं, अगर उनके अंदर कोई पार्ट खराब हो जाए ना, उसको चेक नहीं किया जा सकता, वो चेक नहीं किया जाता, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है,
क्योंकि उसको चेक करने में जितनी बचत आप करोगे उतने से आप प्रोडक्शन को 2 घंटे तक डिस्ट्रॉय कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ब्रेक डाउन आ रहा है अगर, तो उससे क्या होता है बहुत ज्यादा एफिशिएंसी लॉस्ट होती है, कितनी देर तक प्रोडक्शन रुक गई, ठीक है। उसके बाद मैनेजरियल कंट्रोल नहीं है सही से, लैक ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे वर्कर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या है प्रोडक्शन लॉस्ट हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा आप कह सकते हैं कि तीसरा क्या है, आइडल मैन, बहुत आइडल मैन, ठीक है। मैन पावर को प्रॉपर यूज नहीं किया जा रहा, आइडल मैन होता है जब देखो कि अभी यहां पे क्या हो रहा है, सीएनसी ऑपरेट कर रहा है एक वर्कर, उसको 10 मिनट के लिए काम मिला, उसके बाद क्या है वो वेट कर रहा है दूसरे पीस के आने की, ठीक है। ये क्या है उसका आइडल मैन की कंडीशन है कि मैन जो है वो आइडल खड़ा है, उसके पास कोई काम नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर आप उसको कंटिन्यू प्रोडक्ट भेज पाते तो वो सारा दिन काम करता, ठीक है। तो ये क्या है प्रोडक्टिविटी के अंदर इनपुट लॉस है, अगर उसको कंटिन्यू वर्क मिले तो वो ज्यादा काम करेगा, ठीक है। तो आइडल मैन के कारण भी जो है इनपुट ज्यादा हो जाती है और आउटपुट कम रह जाती है, ठीक है। तीसरा है, चौथा है पुअर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जिसके कारण क्या है उसका प्रॉपर आउटपुट अपने को मिल नहीं पाती, प्रॉपर रेट नहीं मिल पाता, जिसके कारण इनपुट तो आपकी सेम लगी, आउटपुट में आपको कम कमाई मिली, जिसके कारण क्या हो जाता है प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो फिफ्थ, इसके अंदर क्या है और क्या कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। कंफ्यूजन इन मशीन्स, कंफ्यूजन इन मशीन्स, ठीक है। मशीन्स जो है वो प्रॉपर सही से वर्क नहीं कर रही है, उनसे उनके अंदर कंफ्यूजन है कि कौन सी मशीन को पहले यूज करें कौन सी मशीन को बाद में, या मशीन्स ऐसे रखी गई है कि कभी तो सारी मशीन्स खाली पड़ी रहती है कभी सारी मशीन्स वर्क करती रहती है, ठीक है। मशीन का प्रॉपर शेड्यूल नहीं है कि कौन सी मशीन कब बिजी होनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं इसको जो है प्रोडक्टिविटी को लो कर देती हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आप वर्कर को सही से रिवॉर्ड नहीं देते, ठीक है, या एक्सेस इन्वेंटरी रख रखी है, एक्सेस इन्वेंटरी मतलब के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको आपने भर के रख रखा है स्टोर में, ठीक है। वो खराब होता रहता है, उसकी रिक्वायरमेंट आती नहीं और उसको हैंडल करना भी कितना मुश्किल है, तो उसके ऊपर इतनी इनपुट लग जाती है कि उससे क्या हो जाता है फाइनल प्रोडक्टिविटी के अंदर कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट करती है। तो अब अपने पास क्या है कि आपको कॉज पता है कि कौन कौन से है, मैनेजरियल इफेक्ट हो गया, मैन पावर का आइडल रहना, मशीनों के अंदर कंफ्यूजन हो जाना कि कौन सी मशीन यूज करें, ये सारे क्या है रीजन है इसके प्रोडक्टिविटी के लो होने के। तो अब आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अब क्वेश्चन आएगा हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या करें कि प्रोडक्टिविटी क्या हो इंक्रीज हो जाए, मतलब कि इनपुट सेम रखनी है आउटपुट बढ़नी है, ठीक है। इनपुट तो वही है जो अपने पास है, आउटपुट को इंक्रीज करना है। तो कैसे किया जा सकता है, दो तरीके से। सबसे पहले है ह्यूमन बेस, ठीक है। इसके अंदर मतलब कि जो आप कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं उसके लिए आप दो तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं, पहला तो है ह्यूमन बेस, दूसरा है टेक्निकल बेस, टेक्नोलॉजी बेस कह सकते हो या टेक्नोलॉजिकल बेस कह सकते हो बेस, ठीक है। दो तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है ह्यूमन बेस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ह्यूमन बेस के अंदर अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले तो ह्यूमन को जो है प्रॉपर वर्क कर सके, कंटिन्यू वर्क मिलता रहे ह्यूमन को, ये चीज आप इसके अंदर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ह्यूमन बेस के अंदर जो वर्कर्स हैं उनको मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो अपनी राय बता सके, ठीक है। वर्कर्स को पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट,
तो उससे क्या हो जाता है, उससे उसको काम करने का बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ऐसे ही आप और क्या कर सकते हैं ह्यूमन बेस के अंदर, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बना के रखना, अपना वर्कर्स के साथ और वर्कर का अपने साथ म्यूचुअल ट्रस्ट, ये इंडस्ट्री के अंदर जरूरी है, इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और आगे क्या हो सकता है, यूनियन, यूनियन बनवाओगे तो उससे क्या होगा, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यूनियंस होनी चाहिए काम के अंदर, टाइप ऑफ यूनियंस अलग अलग तरीके की यूनियंस होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑटोमेशन, फोर्थ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन होगी तो वर्कर्स को कम लोड हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या है, वो आसानी से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, लीडरशिप आप इनको लीड कर सकते हैं, मोटिवेशन इनको मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ये काम कर सकते हैं ह्यूमन बेस के अंदर। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ मटेरियल के अंदर इनकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि आपको सप्लाई ऑफ मटेरियल देना है तो कंपोनेंट्स जो है उसको सप्लाई करना है, तो उसके लिए आप इनको क्या दे सकते हैं, इक्विपमेंट्स दे सकते हैं, इक्विपमेंट्स अवेलेबिलिटी। ठीक है, सारे तरीके के इक्विपमेंट्स आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं उनके हाथों के अंदर, मतलब के बहुत नजदीक हो ताकि उनको काम करना आसान हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप और क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं उनको, ट्रेनिंग, बार बार ट्रेनिंग देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, इनको जो काम करना है उसमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो इक्विपमेंट मैंने आपको बता दिया उसकी मेंटेनेंस अच्छे से करवाएंगे और वर्किंग कंडीशन। ठीक है, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा वर्किंग कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग कंडीशन, कंडीशन। ठीक है, ये सारी चीजें वर्कर्स को चाहिए ताकि ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट जो है वो कम पड़े और वो अच्छा वर्क करे। वर्किंग कंडीशन मतलब कि आप हीट में काम कर रहे हो तो ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकते, अगर वहां पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा हुआ है तो आप आसानी से वहां पे 24 घंटे 12 घंटे 8 घंटे 9 घंटे जितना भी आपको वर्कलोड मिला है आप आसानी से उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस कि वर्किंग कंडीशन कैसी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद और कौन कौन सी स्कीम्स चलानी चाहिए, जैसे वर्किंग आवर्स कैलकुलेट कर लिए, उससे क्या हो गया, वेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं आप, इंसेंटिव स्कीम्स दे सकते हैं। ठीक है, और वर्क को सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ, वर्क सिंप्लीफिकेशन, वर्क सिंप्लीफिकेशन, आसानी से काम हो जाए, क्या उसको ज्यादा पजल ना बनाए काम को, जिससे क्या हो कि उसको दिक्कत आए काम करने में, जितना आसान बना देंगे उसके लिए उतना ही जल्दी वो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हैं उसके अंदर जो ह्यूमन बेस्ड हैं चेंजेस जो अपने को करने पड़ेंगे ताकि क्या हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। दूसरा क्या है, टेक्निकल चेंजेस कौन कौन से करने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड, क्या क्या चेंजेस हैं, बेस्ड कौन कौन से चेंजेस हैं, सबसे पहले तो जो है प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, प्लानिंग के बाद सारा प्रोसेस होना चाहिए, ये टेक्नोलॉजिकल हो गया। ठीक है, प्लानिंग रिक्वायर्ड है, प्लानिंग होनी चाहिए कोई भी काम करने से पहले। ठीक है, उसके बाद लेआउट ऑफ प्लांट कैसी है, ठीक है, अच्छी लेआउट बनाएंगे तो काम आसान हो जाएगा, लेआउट, लेआउट ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की लेआउट जो है अगर वो सही है तो उससे क्या हो जाएगा, लेआउट ऑफ प्लांट, प्लांट की लेआउट ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या हो कि काम जो है वो आसान हो जाए। अगर अपना प्लांट जो है वो ऐसे आप रखेंगे कि उसके अंदर जो है सारी चीजें जो है इजीली अवेलेबल है वर्कर्स के लिए, तो वो आसानी से आपको क्या करेंगे, वर्क करके दे देंगे। ठीक है, अगर उनको पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, यहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा दूसरा प्रोडक्ट हायर करने के लिए या कुछ और करने के लिए, ठीक है, तो उनको दिक्कत आएगी, तो लेआउट ऑफ प्लांट उनके लिए अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये भी टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग अच्छी हो, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग के लिए उनको इक्विपमेंट दें, मटेरियल हैंडलिंग के लिए उनको अच्छे इक्विपमेंट्स दे दें। ठीक है, इससे भी क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा उनका। ठीक है, तो वो ज्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डिजाइनिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन कर दें तो भी काम जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, उससे भी स्टैंडर्डाइजेशन, इससे क्या होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स जो आपको नजदीकी लैब से या किसी लोकल शॉप से या किसी छोटी इंडस्ट्री से मिल सकते हैं, तो जो स्टैंडर्डाइज्ड हैं,
तो उनको आपको प्रोडक्ट करना प्रोडक्शन करना रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि वो वहां से भी उतने ही प्राइस में मिल जाएगी जितना आपको बनाने में कॉस्ट लगेगी। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, इससे टाइम बचत होगी। ठीक है, और क्या किया जा सकता है, ऑटोमेशन तो मैंने आपको पहले भी लिख दिया, ठीक है, इसके अंदर भी लिख सकते हो। एंड इंस्पेक्शन भी जरूरी है, इंस्पेक्शन, इससे भी क्या है प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इंस्पेक्टर रखेंगे अपन जगह जगह पे, तो ये सारी क्या है, इससे क्या होगा प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये क्या है इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्शन, ये खुद से भी लिख सकते हो आप, ये ऐसे टेक्नोलॉजिकल बेस्ड ह्यूमन बेस्ड लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कौन कौन सी चीजें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगी, लेआउट अच्छी हो प्लांट की, ठीक है, प्लांट में सारी चीजें नजदीक अवेलेबल हो, एनवायरमेंट अच्छी हो, एयर कंडीशनिंग वगैरह लगी हो तो काम करना आसान हो जाएगा, अगर हीट हो रही है वहां पे तो दिक्कत होगी काम करने में। ठीक है, ये सारी क्या है इसके जो है प्रोसेसेस है। नेक्स्ट आता है डिफरेंसेस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा डिफरेंस है, प्रोडक्शन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग जो कि अपने को रिक्वायर्ड है फ्रॉम इनपुट, सेट ऑफ इनपुट्स लाइक मैन मटेरियल कैपिटल और बहुत सारी इनपुट्स को जोड़ के जब आप एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे अपन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग या ट्रांसफॉर्म ए सेट ऑफ इनपुट्स इनटू ए फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर उसको ट्रांसफर करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, ये क्या है, ये एफिशिएंसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी क्या है, ये क्या है आउटपुट पर यूनिट इनपुट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, ये क्या है प्रोडक्टिविटी है। तो यही डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है, छोटा सा कि ये क्या है, ये तो प्रोसेस है जिसके द्वारा आप प्रोडक्शन करते हैं, ये क्या है, ये उसको मेजर करने की क्वांटिटी है कि कितनी आउटपुट गई इतनी इनपुट के बाद। ठीक है, इतनी मैन पावर इतनी मैन आवर्स के बाद इतनी आउटपुट आई। ठीक है, ये क्या है प्रोडक्शन है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी के बारे में आपने जितनी बातें थी इस चैप्टर के अंदर वो कर ली है। सबसे लास्ट में यही क्वेश्चन था कि कैसे आप प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के अंदर डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, तो ये डिफरेंस है इनके अंदर कि प्रोडक्शन सिर्फ एक प्रोसेस है और प्रोडक्टिविटी एक क्वांटिटी है उसको मेजर करने की। ठीक है, तो ये आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जितनी भी चीजें आपने आपको बता दी है, कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।